प्रधानमंत्री मोदी का विरोधियों पर बहुत बड़ा हमला इस जीत के बाद। गुजरात में जीत के बाद पीएम मोदी का बड़ा निशाना। अब जुल्म बढ़ने वाला है, सहने के लिए तैयार रहें। इस चुनाव के बाद हम पर जुल्म बढ़ने वाला है। जवाब में हमें सतर्क और सहनशील रहना होगा। गुजरात में जहां बंपर जीत, रिकॉर्ड जीत बीजेपी ने हासिल की 156 सीट के साथ, इस जीत के बाद पीएम मोदी की तरफ से विरोधियों पर यह बड़ा हमला बोला गया। आलोचनाओं ने भी हमें बहुत सिखाया। हर आलोचना में से हमारे काम की चीज हमें खोजते रहना है, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। ये पचा नहीं पाएंगे और उसका जवाब यही है, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है, हमें अपनी समझदारी का विस्तार करना है, हमें अधिक से अधिक लोगों को समावेश करने की दिशा में अपने हाथ चौड़ा करके लोगों को स्वीकारना है, स्वागत करना है। सकारात्मक रास्ता, सेवा भाव का रास्ता, समर्पण का रास्ता, यही मार्ग हमने चुना है, वही मार्ग हमको यहाँ पहुंचाया है और आगे भी हमारे पुरुषार्थ से, परिश्रम से देश की आकांक्षाओं वाला ये देश भी बनेगा। 2047 जब हिंदुस्तान आजादी के 100 साल मनाएगा, विकसित भारत हमारे नौजवानों के हाथ में हम देके जाएंगे। दोस्तों जी, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर पर आज करने जा रहे हैं हम विश्लेषण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया है वो अपने आप में बहुत अहम है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर बीजेपी के लिए सबसे बड़े ट्रंप कार्ड साबित हुए हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। साल 2017 में बीजेपी को सिर्फ 99 सीटें मिली थी, नर्वस 99 का शिकार हुई थी बीजेपी, जो उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। बीजेपी के सामने चैलेंज यह था कि अगर उसका ग्राफ थोड़ा और खराब हुआ तो सत्ता हाथ से निकल जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह बीजेपी के लिए संकट मोचक साबित हुए और उसे प्रचंड जीत दिलाई। जीत भी ऐसी वैसी नहीं, बंपर जीत, ऐतिहासिक जीत। इसकी वजह रही गुजरात के लोगों का पीएम मोदी पर अटूट भरोसा, आम गुजरातियों से मोदी का डायरेक्ट कनेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजराती अस्मिता के प्रतीक बन गए। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए पूरे मंत्रिमंडल को बदलना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा और मोदी के सामने विपक्ष का लगातार कमजोर होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आज अपने तमाम खास मेहमानों के साथ हम इस पर चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आपको बताते हैं कि गुजरात के जनादेश में क्या संदेश छिपा हुआ है, इस बंपर जीत के मायने क्या है, यह समझिए संदेश क्या है। पहली बार बीजेपी ने 86% सीटें जीती हैं गुजरात के अंदर, 86%। 2013 में राजस्थान में कांग्रेस ने 82% सीटें जीती थी और अब बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आई गुजरात के अंदर। मोदी मैजिक, बीजेपी की सबसे बड़ी जीत की वजह आप इसी को मान सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक गुजरात में चला वो अपने आप में अतुलनीय है। बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है, बंगाल में लेफ्ट की 8 बार जीत हुई है और अब बीजेपी उस रिकॉर्ड की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई लगातार 7 बार जीतने वाली दूसरी पार्टी बन गई है। पूरे देश का अगर जिक्र किया जाए तो बीजेपी को कांग्रेस से 2 गुने वोट मिले हैं, किसी भी राज्य में यह सबसे बड़ा अंतर है। आप देखिए कि किस तरह से आप कह सकते हैं जिस पार्टी ने 77 सीटें जीती थी 2017 में, उसका एक तरह से सुपड़ा साफ कर दिया है बीजेपी ने। 19 मुस्लिम बहुल सीटों में 15 पर बीजेपी का कब्जा हुआ है।
ये जनादेश क्या कह रहा है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर पहली बार जीत हासिल हुई है, लेकिन 19 मुस्लिम बहुल सीटें, उसमें से भी 15 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।